एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते हम बात करते हैं स्वास्थ्य केंद्रों की। आज भी भारत के अधिकांश गांव ऐसे हैं जिनमें चिकित्सा सेवाओं का हाल बुरा है। अधिकतर गांव ऐसे हैं जहां पीड़ितों की चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, बहुत से बच्चे भी चिकित्सा के अभाव में मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। जिन गांवों में मनुष्य की चिकित्सा व्यवस्था का ये हाल है, तो पशु चिकित्सालय के बारे में सोचना भी असंभव है। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मेरठ के ब्लॉक रोहटा में स्थित भदोड़ा गाँव पड़ा, जहाँ पर ग्रामीणों ने कविता को ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 2800 की आबादी वाले इस गांव की जिला मुख्यालय से दूरी 25 किलोमीटर तथा ब्लॉक से दूरी 3 किलोमीटर है। लगभग 1800 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 350 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 20 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 35 और पर लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 83 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ गांव में सीसीटाइज रोड एवं सीसी रोड, खडंजे, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल में मरम्मत कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 166 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसीटाइज रोड, स्वास्थ्य केंद्र, इंटर कॉलेज, बैंक, शमशान घाट की बाउंड्री, पंचायत घर, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम शाहिदुल बाबू है, ग्राम बंडूरा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर हूँ। और मैंने जो अपने गांव में तक कार्य कराया, मैंने 5 तो इंटरलॉकिंग लगवाई है रास्ते और 5-6 सीसी लगवाई है, कोई 250 के आसपास शौचालय। कोशिश की मेरा गाँव जो है, मैं इससे क्या बोलते हैं इसको, स्वच्छ जगह होना चाहिए। बहुत बुरा हाल था पहले तो, कहना गाँव में हमारी कहना बहु वे बेटी दंगों में जाती थी। कब तो कहे 90% मेरा गांव जो है स्वस्थ हो चुका है। 10% इसको भी मैं कहे ऐसे ठीक कर लूँगा, ये बात कोशिश है पूरी पूरी। अच्छा, सबसे मेन मैंने काम लिया जी अपने गांव का स्कूल का, क्यों मेन चीज़ स्कूल होती है कि शिक्षा हमेशा पढ़ती है, वहीं आदमी का जो जीवन चलता है। आप जाकर देखिए मेरे स्कूल को, देखेंगे वाकई स्कूल है। आप ये कहेंगे स्कूल सरकारी है प्राइवेट है, बड़ी बड़ी कहना ऊंची ऊंची बाउंड्री, पेंटिंग, टंकी, शौचालयों में हाथ धोने के वास्ते बेसन, सब कुछ एकदम ओके, सारे में इंटरलॉकिंग, साफ सफाई सभी को। मैंने ये कहा कि मेरा गांव बाद में पहले स्कूल, और बच्चे भी मेरे यहाँ से ऐसे आते हैं कि ना किसी इंग्लिश मीडियम में आ रहे हूँ। तो मेरी कोशिश यही है। अब समस्या में ऐसा सबसे बड़ी आ रही है जी, एक तो कहना अस्पताल की जनसंख्या ज़्यादा है, आजकल बीमारी बहुत ज़्यादा है। अगर एक अस्पताल बन जाए, अब अस्पताल बनाओ कहाँ, पीछे ऊपर भी आई थी जगह नहीं है, ग्राम पंचायत जगह नहीं, ग्राम पंचायत तो लोगों ने पहले दबा ली सबने, अब यहाँ पे मेरे सामने समस्या आ रही है। अगर सरकार से मैं इससे मांगो कि मुझे जगह मिल जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है मुझे अस्पताल की। ये तो करा सकता है कि इतने बड़े गाँव में अगर बात कर मिल जाए तो कोई सी बात को तो मुझे, बल्कि गाँव वाले भी कहते हैं कि प्रधान जब आप इतना काम करते, कम से कम बरात घर तो बनवा दो, एक ये काम आप करो, ये भी बनवा, जब आपने इतना आपने स्कूल अच्छे बना दिए, रास्ते अच्छे बना दिए, सफाई पे आपका बहुत ध्यान है, एक बरात घर भी होना आपका जरूरी है। अब बरात घर बनाओ कहाँ, वो समस्या उसकी आ गई।